नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हरमल इधर आ जाओ दीदी, চাচা বানা দিয়া ভালো করে সংগঠনকে বাড়ান। चर्चा करने के लिए लोगों के बीच उपस्थित हैं। सड़क किनारे एक चाय के होटल में जिनका गाड़ी रुका है, कार्य समाधान है और चाय पर चर्चा चल रही है। मैं आपको सीधी तस्वीर कुल्टी के न्यामतपुर बमडिया से दिखला रहा हूं। चर्चा करने के लिए मुख्य चाय पीने के लिए बंगाल में कोई रीजन नहीं चाहिए। बंगाल है चाय का और आटा का जगह, इसीलिए आज कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ चाय पियो और भाता लो। ये कर लिया माननीय मुख्यमंत्री, कोई नौकरी लेकर जरूरत नहीं है। 500 रुपया 1000 रुपया लेकर अपना संसार चलाओ, अड्डा मारो, चाय पियो और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए 11 बरस हो गया, आज तक हम लोग एक कंपनी एक इंडस्ट्री का नाम नहीं देखे, सबको ऐसे ही चला रहे भाता दे देकर। बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाली, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाली, उस बंगाल को आज हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको पूरा तोड़ दिया है। हम लोग जो सर ऊंचा करके जो जीते थे, वो बंगाली को आज भाता दे करके उसको पैसा करके बिठा दिया है। दीदी, एक खबर आ रही है माता की तरफ से भी आ रही है कि बालू बंद है, ठीक है, जिसके कारण हजारों मजदूर मतलब बेघर हो गए, काम धंधा उनका बंद हो गया, बेरोजगार हो गए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लीगली खास करके शिल्पांचल शहर में ऐसा हो रहा है, शिल्पांचल के लीगली बालू चालू हो, लीगली कोयला चालू हो, सब लीगली चालू हो सकता है, लेकिन इलीगल कोई काम होगा करने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। जो श्रमिक कोई काम पश्चिम बंगाल में नहीं करने देंगे। जो श्रमिक अभी बेरोजगार होकर घर में बैठे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लीगल तरीके से आप लोग खोलो, जो बालू खदा रहे उसको हम लोग बोलेंगे लीगल तरीके से खोलने के लिए। जो लीगल माइनिंग हो सकता है उसमें देखिए कोई नौकरी हो सकता है। श्रमिक लोग तो उतना दूर तक नहीं जाते, वो लोग जो लोग घर वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो श्रमिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूर के लिए जो लोग घर वगैरह बनाते हैं उनके लिए क्या कहना? उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो वहाँ तक पहुँचते भी नहीं, उनका काम है घर बनाना मजदूर का। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को आप लोग को बोलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को बोलिए कि आज जब कोरोना हो रहा था, अभी भी कोरोना है, दीदी बोल रहे थे आइए आइए वापस आइए, घर वापस आइए, हम लोग नौकरी देंगे। हमारा जो माइग्रेंट लेबरर्स है दूसरे राज्य से वापस आ गया, लेकिन वापस आके क्या हुआ? सिर्फ झूठ प्रॉमिसेस किए हैं टीएमसी, फिर वो लोग वापस अभी चले जा रहे हैं। आज का भी वीडियो अगर देखें तो उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल के सब बच्चे लोग छोड़ छोड़ कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज डॉक्टर जा रहे हैं, कंप्यूटर वाले जा रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाता है राजमिस्त्री वो भी जा रहे हैं, क्योंकि किसी का नौकरी पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल अभी वृद्धाश्रम हो गया है, बाबा माँ पिताजी माताजी सब वृद्धाश्रम हो गया है, बच्चे लोग सब बाहर चला गया है। इसका क्रेडिट कौन लेगा? माननीय मुख्यमंत्री और टीएमसी सरकार। 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, नौकरी मत मांगो, पर 5 लाख रुपया क्लब को दो, क्लब के लड़का लोग नेशा करेगा, जुआ खेलेगा, नौकरी मत मांगो। हाँ, हम लोग 2-3 लाख रुपया करके दे देंगे, लेकिन नौकरी कोई किसी मांगेगा तो फिर वो नहीं होगा। उसीलिए आज शिक्षक, जो शिक्षक को हम लोग पूजा करते हैं, जो टीचर्स लोग को हम लोग गुरु मानते हैं, आज नौकरी नहीं है, वेतन नहीं मिल रहा है,
ट्रांसफर कर दे रहा है, जो इधर 24 परगना में रहता है उसको नाव ट्रांसफर कर देते हैं अलीपुरद्वार कुछ भी हाल। वो लोग पॉइजन खा रहे, बीज खा रहे, ये देखने को मिलता है। ये है आज का पश्चिम बंगाल। नौकरी नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री को बोलना है। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री को बोलिए नौकरी दीजिए, हम लोग भाता नहीं चाहिए, हम लोग को 2 रुपया का चावल नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ भी भीख नहीं चाहिए। आप नौकरी दे दीजिए, इंडस्ट्री लाइए, हम लोग नौकरी करेंगे, सर ऊंचा करके हम जिएंगे और आपका हमारा फैमिली को भी हम देखेंगे। इसके लिए भाता का जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट ट्रांसफर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, कोई कहीं जगह पे तो ऐसा नहीं देखते कि लखीर भंडार का कैंप दरवाजा खुलते ही हजारों में गिर गया, किसी का चोट, किसी का माथा फट गया, किसी का फ्रैक्चर। ये क्या तरीका है? आज केरला में 3rd वेव आ गया, क्यों कोरोना बोला है क्या कि पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं घुसेगा? ऐसा कोई बोला है क्या माननीय मुख्यमंत्री को? किसी का मुंह में मास्क नहीं, कुछ नहीं, दक्षिण भंडार में हजारों में लाइन लगा के बैठा है, क्यों? वहां पर कोरोना का विधि नहीं लागू हो सकता है क्या? हम लोग भी केंद्र सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है 500 रुपया 1000 रुपया देने का। तो ये जो नौकरी के लिए अभी जो बंगाल के लोग ये कर रहे हैं, हम बोलेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री को बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए, क्यों भाता ले रहे हैं आप लोग? आप लोग बोलिए, नौकरी दीजिए, इंडस्ट्री लाइए। इतना तो सम्मेलन हुआ था कोरोना के पहले, राजरहाट में जो बड़ा बड़ा 5 तरह होटल में इतना सम्मेलन हुआ, कोई एक भी तो कंपनी आया नहीं। कोई नौकरी नहीं है पश्चिम बंगाल में, यही है आज का रियालिटी। जी, 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 जी,